एलएसी पर हुए विस्फोटक हालात, अब उत्तराखंड में ड्रैगन की बड़ी साजिश। दोस्तों, लद्दाख में एक बार फिर से महासंग्राम के बादल मंडरा चुके हैं। मोदी की अमेरिका के साथ सुपर डील के बाद जिनपिंग बौखला उठा है, क्योंकि चीन को उसकी मान में घुसकर समंदर के रास्ते भारत बहुत बड़ा खेल करने के लिए आगे बढ़ चुका था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच चीन भारत के खिलाफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन जितनी आक्रामकता दिखा रहा है, भारत भी उसके दांत तोड़ने का पूरा इंतजाम कर चुका है। मोदी ने भी सेना को क्लियर मैसेज दे दिया है कि इस बार छोटी छोटी आंखों वालों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुलाना है, क्योंकि दोस्तों, इस बार लद्दाख के साथ चीनी सैनिक उत्तराखंड में भी घुसपैठ कर चुके हैं। मामला बहुत ही बड़ा हो चुका है। चीन ने एक साथ लाखों की तादाद में सैनिकों को बॉर्डर पर भेज दिया है, तो भारत रातों रात सेना का मूवमेंट शुरू कर दिया है। भारत ने अपनी सभी एयरबेस को भी एक्टिव कर दिया है, और वहीं बड़ी संख्या में ड्रोन और फाइटर जेट हाई अलर्ट पर कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना की पूरे मामले पर चौकस नजर है, और वह किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। मैं दोस्तों बॉर्डर की हर बात आपको बताने वाला हूं, बस आप वीडियो पर बने रहिए। लद्दाख के बाद उत्तराखंड में चीन की करतूत, भारत में 5 किलोमीटर अंदर घुसे चीनी सैनिक। चीन ने उत्तराखंड में तोड़ा भारत का पुल। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख भारत और चीन के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है, लेकिन इसी बीच कपटी चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में घिनौनी हरकत की है। चीनी फौज के 100 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पार करके भारत में घुसाए और बड़ी तादाद में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, भारत की कार्रवाई से पहले ही उन लोगों ने भारत के एक पुल को भी तोड़ डाला। दोस्तों, एक तरफ पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी पर चीन शांति कर रहा था, लेकिन अब उत्तराखंड के इसी इलाके में चीन की घुसपैठ ने युद्ध के खतरे की घंटी बजा दी है। दोस्तों, ये इलाका भी चीन के साथ विवाद वाला इलाका रहा है। इस बाराहोती इलाके में पहले भी चीन ने कई बार घुसपैठ की है। सितंबर 2018 में चीनी सैनिक ने यहाँ 3 बार घुसपैठ की थी। इससे पहले साल 1954 में ये पहला इलाका था जहाँ चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की थी, और बाद में दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश हुई, और फिर हुआ था 1962 का युद्ध। यानी दोस्तों, चीन के साथ अब युद्ध के बादल मंडरा चुके हैं, क्योंकि जो कुछ बॉर्डर के आसपास चल रहा है उसे देखने के बाद मोदी भी आक्रामक मूड में आ चुके हैं, और अग्नि 5 से लेकर अग्नि 3 की उड़ान इसी का नतीजा था। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ हालिया डील भी चीन के तोते उड़ाने वाली रही है, लिहाजा अब चीन बौखलाहट दिखाने के लिए सीमा पर हरकत कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको वो बातें भी बताने वाला हूँ जो चीन खुफिया तरीके से अंजाम दे रहा है, लेकिन उससे पहले इस घटना की पूरी बातें बता दूं। दरअसल दोस्तों, ये घटना 30 अगस्त को हुई थी, और इस घटना के दौरान भारत और चीन के बीच आमने सामने वाली स्थिति पैदा नहीं हुई, क्योंकि जब भारतीय सैनिक इस इलाके में तेजी से पहुंचे, तब तक पीएलए के सैनिक दुम दबाकर भाग चुके थे। चीनी सैनिक तुनजुनला पास पार करके 55 घोड़ों पर 100 से ज्यादा चीनी फौजी भारतीय इलाके में 5 किलोमीटर से ज्यादा अंदर आ गए थे। जिस जगह तक वो लोग पहुंचे थे, वो इलाका बाराहोती के चारागाह का है, जहां सैनिक करीब 3 घंटे तक रुके रहे। दोस्तों, ये इलाका असैनिकृत क्षेत्र है, यानी जहां सैनिक नहीं होते हैं, लिहाजा यहां पीएलए के सैनिकों की मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चिंता वाली बात है। जब स्थानीय लोगों ने इस घुसपैठ की सूचना ITBP और सेना को दी, तो वहां तुरंत ही पहुंचे, लेकिन उनको देखकर ये चीनी सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। बाराहोती वाली ये चोटी नंदा देवी नेशनल पार्क के उत्तर में है, लिहाजा यहां पैदल जाना पड़ता है। ये चोटी जोशीमठ से जुड़ी हुई है, जहां भारतीय सेना और ITBP के कैंप चीन के किसी भी बड़े ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं। ITBP उत्तराखंड में करीब 350 किलोमीटर लंबी बॉर्डर की निगरानी करती है, जो LAC का हिस्सा है। हालांकि अब यहां भारतीय सेना ने बड़ी तादाद में सैनिकों की तैनाती कर दी है, क्योंकि दोस्तों, इस इलाके को लेकर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने भी बाराहोती के पास एयरबेस पर चीनी गतिविधि का इनपुट दिया है। खबर ये भी है कि पिछले साल लद्दाख में सीमा पर संघर्ष के बाद LAC पर PLA ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। चीन उत्तराखंड सीमा से लगे बाराहोती हाईवे क्षेत्र में भी सक्रिय है। चीन यहां बड़ी संख्या में मानव रहित विमान ला रहा है, जो इस क्षेत्र में लगातार उड़ान भर रहे हैं। भारतीय एजेंसी इस हवाई क्षेत्र पर भी कड़ी नजर बनाए हुए है। हाल ही में चीनी वायुसेना ने गर्मियों की शुरुआत में भारतीय क्षेत्र के पास एक अभ्यास किया था,
इसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से फोगन, काशगर और गार गुंसा हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी गई। भारत ने इस झील पर करीबी निगाहें बनाए रखी थी। इस दौरान भारत ने भी अपनी तैयारी को मजबूत कर रखा था। भारत के साथ LAC के क्षेत्र में चीन की वायुसेना बहुत ही कमजोर है, लिहाजा चीन ने रूस से लिए हुए अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। लेकिन चीन की कमर तोड़ने के लिए भारत ने भी बड़ी संख्या में सिस्टम तैनात किए हैं। लेह समेत सभी अग्रिम हवाई अड्डों पर लड़ाकू विमान तैनात हैं, जो लद्दाख में अपने ठिकानों से चीन और पाकिस्तान दोनों का एक साथ मुकाबला कर सकते हैं। अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमान की तैनाती और उनके संचालन ने भी चीन के खिलाफ भारत की तैयारी को बढ़ा दिया है। चीन के फरेब पर भारत का तगड़ा एक्शन। रातों रात भारत ने बॉर्डर पर पलट दिया पासा। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सैन्य टकराव के 17 महीने हो चुके हैं, लेकिन LAC में भारत और चीन के बीच अभी भी अंगारे धधक रहे हैं। इसकी वजह है चीन की चालबाजी, धोखा और फरेब। भारत और चीन के बीच 13वीं बार सैन्य कमांडर लेवल की बैठक की तैयारी है, लेकिन विवादित इलाकों से सेना की वापसी को लेकर बातचीत के बीच चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। चीन ने बॉर्डर पर 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर दी है। चीन अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करते हुए LAC पर अधिक सैन्य शेल्टर का निर्माण कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के सामने LAC के साथ कम से कम 8 और आगे के स्थानों में अपने सैनिकों के लिए नए मॉड्यूलर कंटेनर आधारित शेल्टर का निर्माण किया है। यानी चीन का निकट भविष्य में फ्रंट लाइन से सैनिकों को हटाने का कोई इरादा नहीं है। ठीक से कहें तो लद्दाख में कॉम्बैक्ट तैनाती की आंच अब भारत भी महसूस कर रहा है। और दोस्तों, अब भारत ने LAC पर हॉविट्जर तोप, टैंक और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के साथ ही 50,000 से ज्यादा जवानों की रातों रात तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, ऊंचाई वाले इलाके में सैनिकों को पहुंचा दिया गया है। तो वहीं दुश्मन पर नजर रखने के लिए विमान और ड्रोन तैनात हो चुके हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारतीय सेना ने M777 हॉविट्जर गन भी तैनात की है। अमेरिका से ली जा रही M777 की कुल 7 रेजिमेंट बननी है। 3 रेजिमेंट बन गई है और ये 4th रेजिमेंट बनने की प्रक्रिया में है। हालांकि ईस्टर्न लद्दाख में अब भी सबसे ज्यादा स्वदेशी 105 mm कैलिबर की गन तैनात है। भारत का अमेरिका से कुल 145 mm 777 हॉविट्जर गन लेने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये 30 किलोमीटर तक के टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। हल्की होने की वजह से इसे कम वक्त में ही एक जगह से दूसरे जगह मूव किया जा सकता है। इसके लिए सड़क होना जरूरी नहीं है, चिनुक हेलीकॉप्टर से भी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना ने बेहद कम वक्त में अपने स्टेटस मोबिलाइज कर दिए हैं। बॉर्डर एरिया में सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरने से सेना की तेजी से मोबिलाइजेशन हो पाया है और तेजी से सेना ने अपनी तोपें तैनात की। बॉर्डर के पास चीन की बड़ी करतूत। उत्तराखंड, अरुणाचल पर बड़े खतरे का बजा अलार्म। दोस्तों, तिब्बत पर अवैध कब्जा करने के बाद चीन वहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है ताकि वो भारतीय इलाके को भी निगल सके। चीन ने बीजिंग से तिब्बत को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को लेकर काम तेज कर दिया है। इसके जरिए वो भारतीय इलाकों तक जल्द पहुंच जाएगा। इस मामले में जो खुफिया जानकारी मिली है वो बड़े खतरे का इशारा कर रही है, क्योंकि भारत के उत्तराखंड के सेंट्रल सेक्टर के सामने चीनी फौज ने सर्विलांस कैमरे और दूसरी इंटेलिजेंस मशीनें लगाई हैं। चीन का ये एक्सप्रेसवे भारत को घेरता हुआ नजर आ रहा है और वो किसी आपात स्थिति में काफी आसानी से अपने सैनिकों को मदद भेज सकता है। चीन तिब्बत में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, जो पिछले साल मई से भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में LAC पर गतिरोध के दौरान भी जारी रहा। तिब्बत में चीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है उसमें ऐसे एयरपोर्ट्स का निर्माण शामिल है जो मिलिट्री इस्तेमाल के साथ साथ सिविल इस्तेमाल के भी लायक हो। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास तक बुलेट ट्रेन और सड़कों का विकास कर चुका है और भारत की सीमा के पास सैनिकों के लिए घर का निर्माण कर रहा है और वहां पर हथियारों की तैनाती कर रहा है। चीन ने इसी साल जून में न्यांगची से जोड़ने वाली एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन शुरू की थी, जो रणनीतिक रूप से अरुणाचल प्रदेश के करीब स्थित तिब्बत शहर है। हालांकि दोस्तों, ये काम केवल चीन ही कर रहा है ऐसा कतई नहीं है। इन इलाकों में भारत भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यहां बकायदा 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बख्तरबंद हथियारों के साथ भारतीय सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। तो सेना लगातार बॉर्डर इलाकों में सड़कें बना रही है।